वार्नर ने आईपीएल 2019 में अपने पहले ही मैच में तोड़ डाला रोहित और रैना का रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल के 12वें सीजन का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवरों के खेल में 181 रनों का स्कोर बना लिया। हैदराबाद की ओर से डेविड वार्नर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वार्नर ने 53 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली। वार्नर के अलावा जॉनी ब्रेस्टो और विजय शंकर ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ब्रेस्टो ने 35 गेंदों में 39 और विजय शंकर ने 24 गेंदों में नाबाद 40 रनों की पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सबसे सफल गेंदबाज आंड्रे रसल रहे। आंड्रे रसल ने 3 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए। रसल के अलावा 1 विकेट चावला ने भी लिया है। डेविड वार्नर ने रचा इतिहास। इस मैच से पहले डेविड वार्नर के नाम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 685 रन थे और वार्नर से पहले रोहित शर्मा सुरेश रैना का नाम शामिल था, लेकिन कल 85 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच डाला। इस मैच में कोलकाता के खिलाफ 85 रनों की पारी खेलकर आईपीएल कोलकाता के खिलाफ सबसे ज्यादा 762 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। डेविड वार्नर ने इस मैच में रोहित शर्मा और सुरेश रैना को पीछे छोड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।